हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांशी एंड फैमिली ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं और एक जबरदस्त वाला प्रैंक लेके आप लोगों के लिए। आज जो प्रैंक होने वाला है गाइस, मेरा वाइफ के ऊपर, मतलब माला के ऊपर होने वाला प्रैंक। आज जो प्रैंक होने वाला है गाइस, मुझे जॉब से मतलब निकाल दिया, ठीक है, वही रीज़न लेके बात कर रहा हूँ आज। और आज क्या हुआ, इसका टॉपिक जो है, एक्चुअली मैं रात में आके मेरा मुंह सूसा फूला हुआ था, माला देखा है, लेकिन हमको पूछा नहीं है कुछ, पूछने से भी हम कुछ उसको बात ही नहीं किया, क्योंकि मुझे सुबह में करना है उसके साथ प्रैंक ड्यूटी जाने के आगे में, ठीक है। तो अभी कैसे ड्यूटी का टाइम हो गया, तो अभी आएगा वो मुझे खाना खाने के लिए, खाइए खाना खाने के लिए आओ ये बात बोलने के लिए आएगा। चलिए देखता हूँ रिएक्शन क्या होता है गाइस, एंड तक आप तो वीडियो में बना रही है, मेरा नौटंकी चालू करता था, वरना आने का टाइम होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, ओ किचन में आ गए, ठीक है, वो आने का टाइम हो गया, चलिए शुरू करते हैं नौटंकी। ओके, मुझे नहीं जाना है ड्यूटी, उठे जाओ। और क्या हुआ, क्या है, बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम है ना, तबीयत खराब है? कुछ खराब नहीं है, सब ठीक है, अभी जाओ, बेकार ना। तो क्या हुआ, क्या है, दिमाग मत चाटो मारा, प्लीज बोला, मैं टेंशन में हूँ अभी, दिमाग मत चाटो मेरा। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन में, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ, उठो तो उठो ना। तुम लोगों को मैं बोल के टेंशन नहीं देना चाहता हूँ यार, लोगों को बोल के टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, क्या मतलब है, बोलो क्या हुआ, क्या है, बोलो तो, पहले बोलो तो, क्या हुआ है, हुआ क्या है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम्हें कल रात से देख रही हूँ, तुमको पूछ रही हूँ, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, अभी ड्यूटी का टाइम हो गया, तुम आके आराम से सो रहे हो, क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या है बोलो, तबीयत ठीक नहीं है? तो क्या हुआ, क्या है, तुम अचानक, तुम्हें कल से देख रही, तुम्हारा मूड पूरा ऑफ है, मुझे जॉब से निकाल दिया, क्या बोला तूने, मुझे जॉब से निकाल दिया, बार बार सुनेगा क्या, एक बात, मुझे जॉब से निकाल दिया, हुआ, जाओ अभी ना, एक मिनट, जॉब से निकाल दिया मतलब क्या बात हुआ, क्यों निकाल दिया जॉब से भाई, क्या हुआ, पता नहीं है, मालिक आदमी है, मन होगा जब रखेगा, मन होगा जब निकाल देगा। तुम तो आज से काम नहीं कर, तुम्हारा 10-12 साल हो गया होगा शायद तुम काम कर रहे हो ना, तो तुमको क्यों निकाल दिया भाई, ऐसे गाड़ी नहीं आ रहा तो क्या करेगा, पॉकेट से देगा हमको सैलरी, गाड़ी नहीं आ रहा है, गाड़ी प्लान में नहीं बन रहा है, तो अभी क्या करेगा हम लोग, अभी तो पॉकेट से नहीं देगा ना सर, हम लोग कमा के उनको नहीं देगा, तो वो कहाँ से देगा हमको, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, उनके पास होना पड़ेगा, तो अभी तो हम उनके पास पॉकेट से तो नहीं देगा, कोई मालिक पॉकेट से नहीं देगा। अच्छा नहीं, जो भी है, गाड़ी नहीं आ रहा है तो ठीक है, इस महीना नहीं, नेक्स्ट महीना आ जाएगा ना गाड़ी, तो तुमको ऐसे कैसे निकाल दिया, तुम इतना पुराना स्टाफ हो, तुम क्यों निकाल दिया, टाइम दिया था मुझे 3 महीना का, मैं नहीं रुका, जब बॉस मुंह से बोल दिया कि तुमको क्या हो, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने तक गाड़ी नहीं आएगा तो तुम काम से निकल, 3 महीने तक गाड़ी कौन इतना भरोसा में बैठा रहेगा, अगर 3 महीने तक गाड़ी नहीं, मैं क्या करूंगा 3 महीने तक, टपाटप 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 डीलर में, तो तुमको पता है सैलरी कितना है, सबको पता है सैलरी कितना है, हम लोग इंसेंटिव जो है, एक्स्ट्रा जो है, उसके ऊपर ही चलते हैं हम लोग, क्या करो क्या नहीं करो वही सोच रहा हूँ, मैं काम देखा हूँ, ऐसा नहीं है मैं काम नहीं देखा है, इसलिए मुझे काम से हम सब कुछ रेडी करके मैं ये डिसीजन लिया कि चलो छोड़ ही दूंगा, अभी अपना किसी का बात भी नहीं सुनूंगा, खुद का मालिक बनूंगा, वही बात ठीक है, किसी का बात सुनने का बात नहीं है, शाबाश बेटा। अच्छा चलो फ्रेश फ्रेश हो जाओ, खाना पीना खा लो, अब बेटा आ जाओ, मम्मी इधर इधर खाना खाने का मन कैसे टाइप का बात करो, तो इसी टाइम पे कोई खाना खाता है क्या, कोई सोच लिया तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जब मैं बोलो ना, अभी खुद का बिजनेस करेगा, खुद का मालिक बनेगा, वही बात, अच्छा ठीक है बाबा, चलो ठीक है, जो भी है, चलो चलो अभी नहा लो, फ्रेश हो जाओ, दिमाग भी तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, खाना खा लो बाबू पापा को जोर से धर बेटा,
पापा को जोर से पकड़, पापा को किसी करते तो पापा का जॉब चला गया बेटी, जॉब चला गया पापा। झूठ बोल रहा है। कोई नहीं बोलो पापा को, कोई बात नहीं, हम लोग दूध पूछ सकेंगे, पहले अपना हलो खाना खा लो, फिर हम लोग बैठ के आराम से बात करेंगे। तो चलते चलो नहाने, चलो चलो चलो। अच्छा ठीक है, चलो जो जो हुआ हुआ, चल देखा जाएगा बाद में, इसके बारे में बाद में, इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। अभी उठो नहाओ खाना खा लो, उठो 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 उठो, जाना पड़ेगा आज रात को, निकलना पड़ेगा मुझे सामान लाने के लिए। उठो 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 उठो, आज रात को जाना पड़ेगा, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं है आज रात को जाना पड़ेगा, मतलब मैं दुकान वुकान सब देख लिया माला। क्या दुकान देख लिया? छोटा मोटा एक दुकान देखा है, मैं बोला ना अपना मालिक बनेगा, खुद का मालिक बनेगा, खुद का काम होगा। अच्छा तुम बात भी नहीं किया अचानक से, बेटे बेटे पापा मम्मी को दूध होगा, तुम उधर चले जाओ। ये कौन सा बात है भाई, अपना मालिक बनेगा, अच्छा जो भी हो तुम बात करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? कपड़ा का दुकान खोलूंगा। पैसा ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए इसमें, 1,00,000 रुपए में हो जाएगा, और मालिक बोला और 1,00,000 रुपए का माल खुद दे देगा, मतलब क्रेडिट में बाकी है। अरेंज कर लूंगा, 70,000 जैसा है, और 30,000 रुपए अरेंज करना होगा, 1,00,000 रुपए का और माल दे देगा। बेटा आओ इधर मम्मी के पास आ जाओ, ऐसे भी पूजा का टाइम आ रहा है, दुर्गा पूजा का टाइम, ऐसे भी बेटा ऐसा नहीं करता, बेटा ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं, ऐसा नन्ना बात है बेटा, मेरा दिमाग खराब है बेटा, अभी ऐसा मत कर बेटा, पापा का दिमाग खराब है अभी। उसको क्या समझ में आ रहा, चिल्ला क्यों रहे उसके ऊपर, जो समझ में आता है मैं क्या करूं अभी। अच्छा क्या काम करोगे दुकान? अच्छा ठीक है, कपड़ा का दुकान खोलूंगा मैं, बोला ना क्या काम करो, क्या काम करो, इतना कम पैसा में हो जाएगा, कौन सा क्या दुकान खोल रहे हो तुम? कपड़ा का दुकान। अच्छा ठीक है, कपड़ा का दुकान है, मतलब क्या कौन सा लेडीज आइटम रखोगे ना, जेंट्स आइटम? लेडीज लेडीज जेंट्स जेंट्स ओनली फॉर लेडीज। क्या लेडीज आइटम इतना कम में कैसे शुरू करोगे तुम? अरे अंडरवेयर बेचूंगा मैं, अंडर वो अंदर का जो पहनने वाला चीज होता है लेडीज का, वही बेचूंगा मैं। एक बार डिसीजन, घर में डिसीजन तो ले लो ना, क्या करना है नहीं करना है। एक ही खराब चीज है ये बिजनेस से क्या बात करो ना बाबू, पैसे से मतलब है ना, हमको पैसे से मतलब है ना बेटा, ऐसा मत करो बेटा, मेरा दिमाग खराब है बेटा, मेरा दिमाग बहुत खराब है बोल रहा हूँ मैं। मत चिल्ला उसके ऊपर, मत चिल्ला, मेरा दिमाग खराब है आज, सच में बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब बेटा, समझा तू? हाँ इधर आ बाबू, इधर आ बाबा, वहाँ पे नहीं उठते बेटा, गिरोगी बेटा। तुम अभी कलर ऐसे तुम लोग कौन सा, मैंने कौन सा कलर ज्यादा चलेगा? क्या बोला तूने? क्या बात क्या कर रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? बोलो अभी क्या, तुम लड़की लोग आओगे से गोल गोल के साइज दिखाओगे लड़कियों को? मेरा काम ही तो यही है, अभी दिखाना ही पड़ेगा ना बाबू। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बदमाशी नहीं करते ना पापा, गिरोगी ना बेटा, ऊपर उठो पापा, पापा के पास जाके बैठो जाओ। पापा का जॉब छूट गया ना, क्या होगा बेचारा, कुछ पता नहीं उसको, बेकार में हम गाली भी दे रहा हूँ, क्योंकि क्या करो, टेंशन में मुंह से गाली निकल रहा है, गाली भी तो नहीं दी। तो आप भाई सब छोड़ो ना, तुम अभी बोल रहे हो अंडरग्राउंड का क्या, अभी तुम यही करोगे क्या? पूजा आ रहा है, कौन सा कलर तुम लोग को पूजा में, क्या लड़की लोग ये पहन के घूमेंगे क्या? तुम पूजा आ रहा है कर रहे हो, मस्त जोक मारा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोलो तो तुम अभी अभी कोई बात नहीं है, तुम अभी अभी लड़की लोग का तुम सामान बेच रहे हो, ये कोई होता है नहीं क्या? अभी कोई अगर पूछेगा तो तुम्हारे अभी मम्मी लोग पूछेंगी तो क्या हुआ, काम छूट गया है तो अभी क्या क्या दुकान किया है, बोल के मैं बोलूंगी क्या? अभी आपका जमाई ना ब्रा पैंटी बेच रहे हैं, शादी करते हैं सुनने में, कपड़ा का दुकान में जाके तुम लोग नहीं बोलते हैं, शोरूम में जाके एक ब्रा दिखाइए पेंटी दिखाइए नहीं बोलता है? तो अलग से दुकान नहीं होता है ना, वो तो एक से रखता है ना, तो मेरा दुकान के खराब क्या होगा, मैं फुटपाथ में बैठूंगा ना, सामने तुम्हारा पीछे में मेरा गुडाउन होगा, ठीक है आगे मैं एक बिस्तर रखूंगा, सब कुछ खरीद लिया मैंने बिस्तर, उसका ऊपर पूरा ब्रा और पेंटी सजा कर रखूंगा, तो मेरा पैसा खराब रहेगा, पूंजी कम लगता है माला, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पूंजी कम लगता है उसमें, तुम्हारा कल जॉब
छूट गया तुम्हारा, आज तुम ये ब्रा पैंटी का बिजनेस स्टार्ट। मैं आगे से सोच रहा हूँ, कोई हर चीज के लिए एक टाइम होता है ना, अच्छे से सोच के अच्छा से बैठ के, एक घर में भी तो एक डिसीजन होता है ना, तो अच्छे से बैठ के क्या करने से ठीक होगा, उस तरह से अगर जरूरत पड़ा तो लोन ले लेंगे। लोन क्या चीज का? लोन लेकर लोन लेके दुकान अभी चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे सोचेगा तुम? ये चीज अगर नहीं ये चीज चलेगा ना, एक टू ऐसा चीज है कि चलने वाला ही है, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट ही चूज किया कि बेचूंगा तो ब्रा पैंटी, नहीं तो कुछ भी नहीं बेचूंगा। बेचूंगा तो ब्रा पैंटी, बस मुझे आता है। मेरे दोस्त लोग भी पूछेंगे अभी क्या काम के लिए, मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा वैसे तुम शोरूम का छोड़ के अभी ब्रा पैंटी लेके बेचोगे, बेचोगे तुम फुटपाथ में, ये कोई बात होता है? सब कुछ पूछेंगे ना, काम छूट गया तभी क्या कर रहे हो बोलते, तो मैं बोलूंगी आपका जब ये फुटपाथ में ब्रा पैंटी लेके बैठा हुआ है। बोलने से भी क्या हुआ, पैसे से मतलब है ना? तुमको तो काम करके चोरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, ब्रा पैंटी बेच रहा हूँ ना, चोरी कर रहा हूँ क्या? देखो हाँ, ब्रा पैंटी बेच रहा हूँ अलग से तो नहीं ना, तुम फुटपाथ में बैठ के बेचोगे, फुटपाथ में सब लटका के झुला झुला के रखोगे तुम? तुमसे ना हो पाएगा। देखो तुम का दुकान कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दूसरा आइटम भी रखो या किड्स का रखो या कुछ भी रखो, ये नहीं कि तुम फुटपाथ में बैठ के तुम ब्रा पैंटी लटका। घर से पूंजी लेके आओ, घर से बोलो पापा को पूंजी देने के लिए। मैं तो बोल रही हूँ ना, पापा को क्यों बोलो? बोलो पापा के तुम्हारा ठेका लेके बैठे, तुम्हारा जॉब छूट जाएगा, पापा देंगे। शोरूम में खोल दूंगा ब्रा पैंटी का, शोरूम में खोलूंगा, पापा फोन करके बोलो कि क्या वो जमाई ब्रा पैंटी का दुकान खुल रहा है, आप थोड़ा पूंजी दीजिए, शोरूम खुलेगा एक ब्रा पैंटी का, बोल दो पापा को फोन करके उनके। मैं ही खाली सब ठेका लेके बैठा हूँ क्या? मेरा जॉब छूट गया, मेरा ही पूंजी खटाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, और बेटी भी पाल रहा हूँ उसका, बेटी पाल रहा हूँ, बेटी पाल रहा हूँ उसका, बेटी तुम्हारा बेटी नहीं है क्या? तुम क्या क्या बात कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? चलो चलो, तुम्हारे ऐसे में दिमाग अभी खराब है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर आराम से बैठ के फिर खाना, तुम्हारा खाना तुम खाओ, जाके दिमाग खराब मत करो मेरा। रात को मुझे निकलना है, जल्दी से कपड़ा उपड़ा मेरा बैग से निकालो। पैसा वैसा भी सब डाला हुआ है, पैसा वैसा भी सब डाला हुआ है। दिमाग ठंडा करो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे, पैसा कहाँ से होगा क्या होगा वो कुछ ना कुछ तो रास्ता रेडी हो गया। अभी बाकी तुम्हारे पापा से लो लेके मैं दुकान चालू करूंगा, पापा लोगों को बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, दुकान में पूजा होगा, ठीक है? कल ना परसों एक तो अच्छा दिन है, तब मैं पूजा करूंगा। मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा ये जो काम बोले, मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी काम करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे, ठीक है ना? ये नहीं कि पापा लोगों से, अभी मैं पापा को बोलूंगी नहीं कि तुम्हारे लिए ब्रा पैंटी का दुकान खोल रहा है, उसके लिए अभी मैं क्या बोलूंगी मैं पापा को? दिमाग खराब मत करो मेरा, ठीक है ना? तुम चुपचाप से बैठा रहो, अभी चुपचाप से खाओ पियो, अभी आराम करो, उसके बाद में अच्छा से माइंड फ्रेश करो, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना नहीं करना है, ठीक है ना? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल जाओ जाओ, क्या करना है, खाना खाना है, क्या करना है? क्या अभी ये डिसाइड कर लिया है क्या? डिसाइड कर लिया, कर लिया मैंने डिसाइड, ठीक है? मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करते हो, हटो, देख दो क्या हुआ तुम्हारा। बोल रही हूँ ज्यादा ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ, ठीक है ना? चुपचाप से बैठा रहो, अभी कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कुछ लाने का जरूरत नहीं है, अभी पहले अच्छे से बैठो, डिसाइड करेंगे, अगर पैसा का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मम्मी लोगों से हेल्प लेना होगा तो भी मैं बोलूंगी मम्मी पापा से, अगर होगा तो उन लोग हेल्प करेंगे, नहीं तो मेरा ज्वेलरी वगैरह है सारा उसको लेके उसी से लोन लेंगे, ठीक है ना? गोल्ड लोन लेंगे। गुस्सा ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा हर चीज में उस कोई भी प्रैंक करने से भी गुस्सा करना पड़ता है क्या? देखा नहीं कैमरा लगा हुआ है, प्रैंक कर रहा हूँ। दुकान आज का प्रे आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए गाइस, और प्लीज कमेंट के बताइए भैया को ब्रा पैंटी का दुकान खोलना शूट करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा ना? तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है? भाभी को बोलिए कि खोलने दीजिए ब्रा पैंटी का दुकान। बाय गाइस।